तो भाई लोग कैसे हो आज आज मैं आपके लिए लाया हूँ 38x40 का एक बेहतरीन हाउस प्लान। तो भाई लोग आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज ए साइट इंजीनियर एज ए सिविल इंजीनियर जो आपको कंक्रीटिंग के दौरान ध्यान रखना है, एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या क्या ड्यूटी होती हैं, क्या टेस्ट करने हैं, हम मतलब जब हमारा कंक्रीट साइट पे आएगा तो क्या टेस्ट आपने करना है कि कंक्रीट हमारा बेस्ट है, काम करने लायक है या उसकी जो क्वालिटी है अच्छी है वो कैसे चेक करेंगे, वो टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, जब आप स्लैब पे कंक्रीट करवा रहे हो एज ए साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर आपकी क्या ड्यूटी बनती है कंक्रीट के दौरान, और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है जो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम करवा सकती है कंक्रीटिंग के दौरान। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा टेस्ट के बारे में। टेस्ट तीन टेस्ट हैं जो हमारे मेनली जो किए जाते हैं। फर्स्ट स्लम टेस्ट, सेकंड कंक्रीट टेम्परेचर टेस्ट एंड थर्ड क्यू फिलिंग। तो पहले हम स्लम टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका TM ट्रांसमिक्सर आएगा, सबसे पहले आपको कंक्रीट का स्लम टेस्ट करना है कि उसकी वर्कबिलिटी कैसी है, कंक्रीट कैसा है, मतलब उसमें कोजी मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल ब्लीडिंग तो नहीं करेगा। बाद में ये सब चीज़ें आप स्लम टेस्ट से चेक कर सकते हो। स्लम टेस्ट आपको 3 लेयर्स में भरना है और हर लेयर के बाद आपको 35 स्ट्रोक्स मारना है। दूसरा टेस्ट है हमारा टेम्परेचर टेस्ट, कंक्रीट का टेम्परेचर टेस्ट करना, मतलब जब भी हमारा ट्रांसमिक्सर आए कंक्रीट आए उसमें आपको टेम्परेचर चेक करना है कि प्रॉपर वे से टेम्परेचर है, क्योंकि अगर आपको मिक्सिंग का ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, तो उसमें हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका होता है, तो वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ धीरे धीरे मतलब डिक्रीज हो जाती है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जब भी कंक्रीट हो उसके 60 मिनट के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन से डल जाना चाहिए, मतलब आपका जो भी ट्रांसमिक्सर है उसको 60 मिनट से पहले डल जाना चाहिए। और हमारा कंक्रीट का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए जब भी आप पोरिंग कंक्रीट पोरिंग कर रहे हो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा IS कोड कहता है। शुरू में मैंने बोला था कि कैसे आप अपना कंक्रीटिंग के दौरान पैसा बचा सकते हो स्लैब कंक्रीटिंग के दौरान। तो जब भी आप कंक्रीटिंग करवा रहे हो जो थिकनेस है आपको, अगर 125 mm आपकी थिकनेस है उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया और आपका एरिया बड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा आपका कंक्रीट वेस्ट हो सकता है। अगर 5-10 mm भी फर्क मान लो तो वो कुछ MQ में चला जाएगा और हर MQ का कॉस्ट आपको 5,000-6,000 तक पड़ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड अपना प्लान रेडी हो चुका है। अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट, ये मैनुअली के लिए है एंड मैनुअली है एंड यहाँ से आप कार के लिए रख सकते हो। उसके बाद से ये अपना पार्किंग कम वरांडा जिसका साइज मैंने रखा है 22 feet 11 inch by 7 feet 8 inch का, और यहाँ से अपना स्टेयर ऑफ, इसका साइज मैंने स्टेयर का साइज मैंने रखा है 6 feet 10 inch by 13 feet में, और ये बेहतरीन होगा। अब यहाँ से अपना मेन डोर आएगा, उसके बाद से अपना ये ड्राइंग कम लिविंग हॉल जिसका साइज मैंने रखा है 22 feet 11 inch by 10 feet 1 inch में, यहाँ पे बहुत स्पेस है आपके ड्राइंग कम लिविंग के लिए, तो ये बेहतरीन ड्राइंग कम लिविंग होगा। यहाँ डोर आएगा, उसके बाद से अपना ये डाइनिंग हॉल, बहुत ही बड़ा डाइनिंग है ये एंड इसको मैंने 14 feet 4 inch by 7 feet 2 inch का रखा है। उसके बाद से अपना ये बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 13 feet 11 inch by 12 feet 7 inch का,
और ये हो गया अपना कॉमन बाथ कम लेटरिन, 8 feet 7 inch by 4 feet का रखा है, यहाँ पे डोर आएगा इसका। एंड ये हो गया अटैच्ड बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 8 feet 7 inch by 4 feet का। और दिस इज आवर मास्टर बेडरूम, 13 feet by 12 feet 7 inch। ये है अपना किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 13 feet by 7 feet 2 inch का। और दिस इज आवर लास्ट बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 13 feet by 10 feet 11 inch का। सो प्लान कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें आपका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 18 to 20 lakhs, डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर। जैसा आप सामान लगाओगे वैसा कॉस्ट लगेगा आपका। एंड कॉलम साइज आपको 10 into 12 inch का रखना है, 60mm का टोर 4 यूज़ करना है, जिससे आपके कॉलम मजबूत हो। एंड कॉलम पे ही सारा आपका घर का वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड फुटिंग पे वेंटिलेशन आपका 2 feet into 1 feet, विंडो साइज 3 feet into 4 feet, 3 feet into 5 feet, 4 feet into 5 feet, जो भी अच्छा लगे रख सकते हो। एंड विंडोज डोर साइज 3 feet 6 inch into 7 feet का, टॉयलेट डोर साइज 2 feet 6 inch into 7 feet का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। एंड ऐसे और अमेजिंग हाउस प्लान के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।